हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि कोटक बैंक में अगर आपका बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस में चले गया है आपका अकाउंट का बैलेंस, तो उसको रिमूव या विड्रॉल कैसे करेंगे ये हम जानेंगे। आपको विड्रॉल करने के बारे में बताने वाला हूं कैसे विड्रॉल करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों, आपको तो जो मैं स्टेप बताऊंगा अभी उसको आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है और सेम टू सेम करोगे तो आपका विड्रॉल हो जाएगा। तो बहुत लोगों का फ्रेंड्स क्लोजिंग बैलेंस में चले जा रहा है कुछ चार्ज लग के या कुछ और। तो दोस्तों, अभी मैं आपको जैसा स्टेप बताता हूँ वैसा फॉलो कीजिए, 100% आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ ये फ्रेंड्स कंप्लेंट पेज है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कैसे आपको सब ये पेज पर आने का है। तो अभी सिर्फ आपको देखना है। तो कोटक महिंद्रा बैंक क्लियर, क्लिक हियर टू राइट टू अस लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए, राइट टू अस लिखा है। तो गाइज, ये कंप्लेंट फॉर्म है, इसको भर के देने के बाद आपका वो चेक करते हैं और आपकी कंप्लेंट सही पाई जाती है तो आपका विड्रॉल हो जाएगा, आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करना है फर्स्ट वाले पे। अब देखिए, अकाउंट डेबिट कार्ड एटीएम चेकबुक रिक्वेस्ट बैलेंस केवाईसी और रीकेवाईसी एक्स्ट्रा, तो फर्स्ट वाला है उस पर अब आपको क्लिक करना है। तो गाइज, आपको अपने अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। तो अकाउंट देखिए ऊपर लिखा है सबसे, तो इधर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है, अकाउंट बैलेंस रिलेटेड टू बैंक अकाउंट, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन क्लोजिंग न्यू अकाउंट के नीचे। अकाउंट बैलेंस रिलेटेड टू बैंक अकाउंट ये आपको फाइंड करना है। तो आपको इसमें मिल जाएगा, देखिए अकाउंट बैलेंस रिलेटेड टू बैंक अकाउंट, इस पर अब आपको क्लिक करना है। अकाउंट बैलेंस रिलेटेड टू बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, जैसे स्टेप बताया वैसे आपको फॉलो करना है और उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ व्हाई माय बैलेंस इज ऑन होल्ड, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, माय अकाउंट बैलेंस शो इज नॉट मैचिंग एज पर माय कैलकुलेशन के नीचे आपको मिल जाएगा व्हाई माय बैलेंस इज ऑन होल्ड। अब इस पे आपको क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, अब स्क्रॉल अप करना है, थोड़ा स्क्रॉल अप आपको करना है। यहाँ आपको दिया गया फ्रेंड्स आपका क्लोजिंग बैलेंस क्यों कटता है, ये सब क्यों कटता है, ये सब आपको चाहिए तो पढ़ लेना एनी। और अब आपको फ्रेंड्स स्क्रॉल अप करना है, देखिए ऐसा नो नीड मोर हेल्प पे क्लिक करना है। नो नीड मोर हेल्प, वॉज दिस इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल, आपको नो नीड मोर हेल्प पे क्लिक करोगे तो ईमेल का ऑप्शन है, अब ईमेल पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स सेलेक्ट टाइप ऑफ कस्टमर, अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट टाइप ऑफ कस्टमर पे सेलेक्ट करना है। तो आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो आपको एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करना है। तो गाइज, आपको सेलेक्ट टाइप ऑफ कस्टमर पे क्लिक करना है और एग्जिस्टिंग कस्टमर पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप एग्जिस्टिंग है, पहले से कस्टमर है कोटक बैंक के, इस वजह से आपको इस पर सेलेक्ट करना है। और आपका जो भी नाम है वो आप डाल सकते हो, यहाँ हमारा नाम लिखना है। और सेकंड में हमारा रजिस्टर मोबाइल नंबर ये पूछते हैं, तो आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर लिख लेना है। यहाँ हमारा रजिस्टर मोबाइल नंबर आएगा, तो चलिए आपको अपना करना है। यहाँ सब मैं हाइट कर दूंगा और यहाँ आपका रजिस्टर ईमेल आईडी आएगा। अगर रजिस्टर नहीं है तो आपका ऐसे ही भी चलेगा, नॉन रजिस्टर भी डाल दोगे तो इधर चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इस पर आपको वो फ्रेंड जब भी ये फॉर्म भर के सेंड कर देते हो तो वो भेज देते फॉर्म की रिसिप्ट। तो क्वेरी और फीडबैक है, तो यहाँ क्या लिखना है ध्यान से देखना, आपको सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको लिखना है माय अकाउंट बैलेंस वाज डिडक्टेड, तो अच्छे से लिख लीजिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं लिखना है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, माय अकाउंट मेन बैलेंस वाज डिडक्टेड। आप हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में लिख लीजिए इसका। फ्रेंड्स, आपका पैसा कट गया, आप क्लोजिंग बैलेंस में चले गए और आपको रिफंड चाहिए, इतना लिख लेना आपको हिंदी में। माई अकाउंट मेन बैलेंस वॉज डिडक्टेड एंड शोइंग इन क्लोजिंग बैलेंस, ऑन क्लोजिंग बैलेंस लिख लीजिए फ्रेंड्स, या इन लिख लीजिए चलेगा। और इधर लिखना है प्लीज रिफंड माई मनी, प्लीज रिमूव भी इसे लिखिएगा तो चलेगा फ्रेंड्स, प्लीज रिमूव माई क्लोजिंग बैलेंस, प्लीज रिमूव क्लोजिंग बैलेंस इन माय अकाउंट। तो इतना आपको लिख लेना है माय अकाउंट एंड रिफंड माय मेन बैलेंस, तो आपके मेन बैलेंस में आ जाएगा फ्रेंड्स जो भी क्लोजिंग बैलेंस है। और फिर आप
अपना विड्रॉल कर सकते हो, एज सुन एज पॉसिबल भी लिख लेना जैसा मैंने आपको लिखा वैसा आप देख के लिख सकते हो। CRN ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, आपको लिखना है तो लिखना, नहीं तो मत लिखना, कोई ऑप्शनल है, हमें कोई ज़रूरी नहीं। आप सबमिट कर देना, आपको फॉर्म को देख लेना अच्छे से एक बार, सबमिट कर लेना है। अगर आपको कुछ अपलोड करना है स्क्रीनशॉट ये सब अपलोड कर सकते हैं जो एरो बना है उसके अंदर। अब आपको सब कुछ चेक कर लेना सारी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपको सबमिट किए बटन दिख रही है इस पर क्लिक करके सबमिट कर लेना है। तो जैसा मैंने बताया वैसा आपको करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद जैसा सबमिट कर लेता हूँ कैसे वो फॉर्म हमारा जो ये फॉर्म है कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आपको क्या सर्च करना है। देखिए हमारा आप सबमिट हो चुका, बी विल रिस्पॉन्ड टू यू विद इन 2 working days लिखा है, पर फ्रेंड्स जल्द से जल्द हम ये रिस्पॉन्ड कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आपको ओके करके इसको हटा लेना है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कस्टमर केयर को कॉल भी करके आप कर पूछ लेना एक बार, ज़्यादा तो कॉल लगता नहीं फ्रेंड्स ज़्यादा करके, पर तभी भी आपको कॉल लगाना है। सबसे स्टार्ट में तो बोर्ड बात करता है, उसके बाद फ्रेंड्स वो रिडायरेक्ट हो जाता है, तो कस्टमर केयर को आप बात कर लेना। तो चलिए अब हम जानेंगे फ्रेंड्स हमारा जो फॉर्म है वो कैसे आएगा और आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो क्रोम ब्राउज़र होता है उसको ओपन करना है, क्रोम ब्राउज़र, और वहाँ आपको लिखना है kotek.com। तो kotek की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर ही जाना, बाकी कोई दूसरी वेबसाइट पर नहीं जाना है। kotek के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ 3 line दिखती है आपको ऐसा, इस पर क्लिक कर लेना है। तो मैं इसमें दिखा रहा हूँ, इसमें भी आपको दिख जाएगा फ्रेंड्स यहाँ। चलिए अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, kotek कस्टमर केयर भी लिखोगे तो चलेगा, kotek महिंद्रा बैंक भी लिखोगे तो चलेगा, आपको वेबसाइट आ जाएगी। kotek.com होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से। तो यहाँ देखिए कॉन्टेक्ट अस, नेट बैंकिंग, हेल्प सेंटर, ये सब आपको ऑप्शन मिल जाता है, पर हम kotek के वेबसाइट से डायरेक्ट आपको बताता हूँ। 3 line पर क्लिक कर लेना आपको, बर्गर मेनू पर क्लिक करने का, यहाँ आपको कस्टमर सर्विस दिख जाएगा। देखिए इधर सबसे आपको स्क्रोल अप करना है, हेल्प सेंटर का एक ऑप्शन आएगा, आप चाहो तो बाहर से भी जा सकते हो। तो हेल्प सेंटर में हम क्लिक कर लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए रेड कलर का आपको हेल्प सेंटर दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स जैसा आप क्लिक करोगे थोड़ा 1-2 seconds लगता है लोड होने में, और ऐसा आपको पेज आ जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने जैसा आपको बताया था वैसा आप सेम टू सेम प्रोसेस कर सकते हो, अकाउंट पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आपको वही प्रोसेस करना है जो मैंने आपको बताया हो फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ अकाउंट बैलेंस रिलेटेड टू बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, और फिर आपको वाई माई बैलेंस इज ऑन होल्ड पे क्लिक करना है, वाई माई बैलेंस इज ऑन होल्ड होल्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नो नीड मोर हेल्प पे क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म आ जाएगा, आपको फिलअप कर लेना है जैसा मैंने बताया था। आपका फ्रेंड्स फिर 100% 24 hours के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप विड्रॉल कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक